आज जो लोग मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत करते हैं भारत में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमको मालूम माल्टा कहां पर है? भारत से 4000 किलोमीटर दूर माल्टा में है। ये भारत से मोहब्बत नहीं थी तो क्या था कि शेखुल हिंद महमूदुल हसन को मक्का गए शरीफुल मक्का ने धोखा दिया तो वहां से गिरफ्तार कर लिए, वहां से गिरफ्तार करके जिद्दा लाए, जिद्दा से कश्ती में बिठाकर अलेक्जेंड्रिया लेकर गए, अलेक्जेंड्रिया से खायरा, फिर खायरा से माल्टा लेकर गए शेखुल हिंद को। 3 साल शेखुल हिंद को माल्टा की जेल में रखा, उनके साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी, फिर उनके साथ हकीम साहब थे, इन चारों को माल्टा की जेल में रखा गया। और जेल में कैसा रखा गया शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को? जेल की कोठरी में नहीं, जेल के एक सहन में एक टेंट लगा दिया गया कि इसी में रहो। 3 दिन में एक मर्तबा निकलने की इजाजत मिलती थी। आप सोचिए कि कोई टेंट में रह सकता है और 3 दिन में एक मर्तबा टहलिए, फिर बाद में उसको थोड़ी नरमी पैदा हुई। 3 साल शेखुल हिंद महमूद हसन को माल्टा की जेल में रखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी भारत से माल्टा को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। 3 साल शेखुल हिंद महमूद हसन माल्टा की जेल में थे, भारत की मोहब्बत में थे हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ।